ऑलराइट तो आज के इस वीडियो में जेंटलमैन मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से आपको पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन बहुत जन को पता नहीं है। बहुत जन ने कमेंट किया कि भाई मयंक कलोन या परफ्यूम लगाते कैसे, पहनते कैसे, हाउ डू यू वेयर, हाउ डू यू एक्चुअली अप्लाई अ फ्रेग्रेंस और अ कलोन ऑन योर बॉडी और वेर एवर डू यू अप्लाई इट, हाउ एवर डू यू वेयर इट। आई मीन दीज वर फ्यू बेसिक थिंग्स, मुझे लगा आप सबको पता होगा, मुझे लगा आप सब जानते होंगे, लेकिन कोई नहीं, इफ यू वॉन्टेड दिस वीडियो आई हैव इट फॉर यू। सो इन दिस एपिसोड ऑफ मेंथ एसेंशियल्स हिंदी जेंटलमैन हम बात करेंगे हाउ डू यू अप्लाई एंड वेयर अ कलोन और फ्रेग्रेंस ऑन योर अमेजिंग फ्रेम। चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंथ एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल प्ले। For the past 4 years and I still think my closest friend is fairy. I don't know how I feel about this. I just feel so alone. Oh. Okay, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ और आपको बताऊँ तीन या चार ऐसे बेसिक चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हैं अगली बार जब आपकी कलोन, जब आप कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, दीज थिंग्स विल ऑलवेज बी इन माइंड, दीज थिंग्स विल ऑलवेज गेट यू लॉट ऑफ थिंग्स। बट उससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ आपको मेरा दो काम करना पड़ेगा। एक, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। दूसरा, इन सब कलोन को लाइव मेरे लाइफ में देखो, हाउ डू आई वेयर इट, व्हेन डू आई वेयर इट, व्हाट डू आई वेयर, व्हेन डू आई वेयर, हाउ आई वेयर इट ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। एक बार चेक नहीं किया, चेक करो, पसंद है तो फॉलो करो। यह हो गया क्लियर। चलो डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड कलोन। तो देखो, दो तीन बेसिक चीज़ें इसका ध्यान रखना। एक होता है फ्रेग्रेंस का सिलेज, एक होता है फ्रेग्रेंस का ओकेजन और एक होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस नोट्स। अभी जो नोट्स का जो टॉपिक है ये बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि भाई अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस में नोट्स क्या होती है, टॉप नोट्स, बेस नोट्स एंड ऑल दैट, अगर आपको चाहिए उसका वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो कि हाँ भाई मैं मेक अ वीडियो ऑन फ्रेग्रेंस नोट्स, आई डू दैट। लेकिन अभी के लिए दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक आपका ओकेजन एंड टू आपके परफ्यूम का सिलेज। सिलेज मतलब प्रोजेक्शन। देखो, अलग अलग परफ्यूम का, अलग अलग फ्रेग्रेंस ऑयल का अलग अलग प्रोजेक्शन होता है। अब ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या, अब ये सिलेज का मतलब क्या है? वेल ईजी, एज द नेम सजेस्ट, आपके परफ्यूम का स्मेल पूरे रूम में आना एंड सिर्फ आपको आना इज द डिफरेंस बिटवीन अ परफ्यूम हैविंग अ लॉट स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्शन एंड अ परफ्यूम विथ वेरी सटल प्रोजेक्शन। अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, जैसे ये है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ अ होल लॉट मोर इंटीमेट, दिस इज़ अ होल लॉट मोर क्लोज कॉम्बैट, अ डेट ओरिएंटेड परफ्यूम। अगर आप किसी के साथ बाहर जा रहे हो, अपने डेट के साथ बाहर जा रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम जो आपकी डेट ही बस स्मेल कर सकती है, कोई पूरा कमरा नहीं। लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ स्टेटमेंट वेर यर गोइंग आउट टू पार्टी, अगर आपके साथ बहुत जन एक रूम में, बहुत सारा स्मेल एक रूम में, देन यू विल नीड टू गेट समथिंग दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्शन। दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट मोस्ट मैन कन्फ्यूज विद। अब अपना एक्स लगा के, अब अपना वाइल्ड लगा के घूमोगे और बोलोगे यार स्मेल नहीं आ रही, बिकॉज दोज थिंग्स डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन व्हाटसएवर। ये सब फ्रेग्रेंस ऑयल के बारे में, दिस इज थ्री डायमंडस का फ्रेग्रेंस ऑयल बाय द वे। इफ यू वॉन्ट टू मेक मी, इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ ऑन हाउ डू यू अप्लाई एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फ्रेग्रेंसेज एंड ऑयल एंड ऑल बेसिकली नोट्स के ऊपर, तो डू लेट मी नो, ये सब उसी से बनता है, तो फिर आई कैन आई बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट एंड मेक अ वीडियो ऑन दैट। एनीवे, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन किस पे, सिलेज और प्रोजेक्शन पे। अब बात आती है हमारे ओकेजन पे। अगर आप स्कूल जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, या अपने दोस्तों के साथ कहीं कैजुअली जा रहे हो, उसके लिए एक परफ्यूम अलग है। अगर आप डेट पे जा रहे हो, बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, उसके लिए परफ्यूम अलग है। आप इन दोनों चीज़ों को कन्फ्यूज मत करो, क्योंकि द स्मेल ऑफ द ओकेजन इज़ द स्मेल ऑफ योर आउटफिट। लाइक अगर आप सूट के साथ एक परफ्यूम पहनोगे, वो आप किसी टी शर्ट या जीन्स के साथ उतनी आसानी से या उतने वेल कॉम्प्लीमेंटेड वेब से नहीं पहन सकते। सो कीप दिस वन थिंग इन माइंड, अलग अलग परफ्यूम अलग अलग ओकेजन के लिए होती है। जस्ट लाइक स्नीकर्स और वाइट टी शर्ट्स एक कैजुअल आउटफिट के लिए होती है, सूट्स और वाइट शर्ट एक फॉर्मल आउटफिट के लिए होती है, वैसे ही सिमिलर परफ्यूम्स आर मेंट फॉर सिमिलर ओकेजन्स। तो ये थे दो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परफ्यूम एंड स्मेल। बट अब बात आती है हाउ डू यू अप्लाई फ्रेग्रेंसेज ऑन योर फ्रेम, हाउ डू यू अप्लाई, हाउ डू वेयर कलोन ऑफ परफ्यूम्स ऑन योर फ्रेम। इजी कॉन्सेप्ट है, इजी प्रिंसिपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर आपके परफ्यूम में, अगर आपके कलोन में, अगर आपके फ्रेग्रेंस में ज़्यादा सिलेज या ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी माइल्ड परफ्यूम के 5-6 स्प्रे मारो। दैट इज मेंट टू बी वोन अ सर्टन वे। देखो, ये बड़ा गंदा मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा स्प्रे मार लिया किसी परफ्यूम का तो आई विल स्मेल मोर। भाई वो आपके स्प्रे से स्मेल मोर नहीं होता, वो फ्रेग्रेंस के, जैसे मैंने बोला, वो फ्रेग्रेंस के ऑयल से होता है। अगर वो परफ्यूम बना है टू स्मेल मोर, इट विल स्मेल मोर। अगर वो परफ्यूम बनाई है माइल्ड और बनाई है थोड़ा डाइल्यूट और टू बी इन क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस, 50 स्प्रे भी मारोगे तो आप उतना ही स्मेल करोगे जितना आप एक स्प्रे किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम के लिए, किसी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से करोगे। सो कीप दिस वन थिंग इन माइंड, आपके परफ्यूम के स्प्रे के हिसाब से आपका स्मेल या आपका प्रोजेक्शन डिसाइड नहीं होता, वो आपके परफ्यूम के हिसाब से होता है, नॉट योर स्टूपिड स्प्रेज। सो फर्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रॉन्ग सिलेज वाले यूज़ कर रहे हो या माइल्ड सिलेज वाले परफ्यूम यूज़ कर रहे हो। द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज हाउ डू यू वेयर इट राइट। तीन इजी कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी लॉजिक है। यू टेक इट आउट एंड यू स्प्रे इट वन ऑन योर नेक, लाइक ऑल द पल्स पॉइंट्स, आपका नेक हो गया, आपका रिस्ट हो गया, आपका चेस्ट हो गया, आपके एंकल,
आपका पीछे का नेक का हिस्सा बाल के पीछे दीज आर ऑल पल्स पॉइंट्स वेयर आवर बॉडी इन जनरल प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. अब जब गर्मी होती है तो ऑयल डिफ्यूजेस अ होल लॉट बेटर इन द एयर, इट मेक्स अ स्मेल अ होल लॉट बेटर इन जनरल. सो तीन चार चीज़ें एक स्प्रे करनी है बस आपको नेक में, एक साइड इधर एक साइड इधर, एक नेक के पीछे अगर आप चाहते हो तो, और एक स्प्रे चेस्ट में, बट दैट इज ऑप्शनल. अब मेरा लॉजिक ईजी है, मेरा एप्लीकेशन बड़ा आसान है. आई पुट ऑन माई नेक साइड में, एक साइड में एक पीछे, एंड देन आई वेयर वट एवर क्लोथ्स आई एम वेयरिंग एंड आई पुट इट ऑन द शोल्डर्स ऑफ माई क्लोथिंग. आई मीन ये थोड़ा नेगलेक्टेड कॉन्सेप्ट है, बहुत जन को पता नहीं, बट ऑयल और फ्रेग्रेंस ऑयल और परफ्यूम्स इन जनरल कैन लास्ट अ होल लॉट मोर ऑन फैब्रिक देन योर स्किन. दिस थिंग होल्ड्स परफ्यूम अ होल लॉट मोर. आपके कपड़े में परफ्यूम का सेंट होना इज अ होल लॉट मोर लॉन्ग लास्टिंग देन आपका चमड़ा. सो कीप दिस वन थिंग इन माइंड. ये नहीं कि आप बस कपड़े में या सब परफ्यूम मतलब नहा रहे हो, वो मत करो. दो स्प्रेज ऑन योर शोल्डर ताकि आप जहाँ भी जा रहे हो आपका एक स्मेल जा रहा है, मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग. आप डाल के देखो आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है. बैक बिहाइंड योर नेक पल्स पॉइंट टू ऑन योर शोल्डर्स, दैट्स इट. अगर आपको ज़्यादा स्प्रे करनी है तो आप तीन चार घंटे बाद एक नेक में मार सकते हो, इस बाजू में एक चेस्ट में मार सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, कहाँ खा रहे हो, ऑल दैट गुड थिंग्स. इफ़ यू आर ऑन अ डेट, अगर आप किसी के साथ अकेले में जा रहे हो, प्लीज़ डू नॉट वेयर 15 स्प्रेज ऑफ कलोन्स ऑल ओवर. तीन चार बहुत है. उसको पास आने दो, उसका आपका स्मेल सूंघने. किसी को दूर से अपनी सो कॉल्ड खुशबू सुंघा के भगाना नहीं है, उसको पास आने दो. लेट हर स्मेल यू, लेट हर इन्जॉय योर एपिक स्मेल. दूर से सूंघ रही है मतलब क्या ही हो रहा है, डोंट डू दैट. डू दैट ओनली इफ यू आर गोइंग आउट ऑन अ पार्टी और क्लब, देन यू कैन एक्चुअली वेयर अ स्ट्रॉन्गर फ्रेग्रेंस. यू कैन हैव वन स्प्रे हियर, वन स्प्रे देयर, और इवन टू टू स्प्रेज हियर, टू आपके नेक के पीछे, टू ऑन योर शोल्डर्स एंड इवन बिहाइंड योर नीज ऑन योर पैंट इफ यू वॉन्ट. दोज आर द पल्स पॉइंट्स, heat generating points of my body, and that's how you wear, or that's how I at least wear my fragrances whenever I'm out. I get compliments because I don't overdo it. क्योंकि देखो मुझे पता है कि मुझे कब कौन से परफ्यूम कैसे पहनने. अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ with a lot of people, I'll wear something which is stronger so that लोगों को पता चलता है कि अच्छा बंदा, ये बंदे ने ये परफ्यूम, या he's just smelling good. If I'm going out with someone on a date or something, I'll wear something appropriate accordingly. Keep this one thing in mind, इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना. अगर आपको परफ्यूम के वीडियोज देखने हैं तो इंग्लिश चैनल पे करीबन 7-8 वीडियोस हैं. अगर आपको वो हिंदी में चाहिए तो कमेंट में लिख के बताओ, बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो जाता हूँ, बाकी सारे वीडियोस बनाता हूँ, थोड़े और परफ्यूम्स के बारे में रिसर्च करता हूँ. आप ध्यान रखना, ख्याल रखना, अच्छा सूंघना, अच्छा सूंघना, अच्छा स्मेल करना मत भूलना. मिलता हूँ अगले में. ब्रश आप स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्टाइलिश. माय नेम इज मयंक बचारिया. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि यूट्यूब बढ़िया अजीब चीज़ है. ध्यान रखना, ख्याल रखना, मिलता हूँ अगले में. Girlfriend.